जिस साइकिल के लिए छीना झपटी मची, अब पता चल रहा है कि उसी साइकिल पर फिर से मुलायम अखिलेश और शिवपाल सबके सब बैठने जा रहे हैं। गुरुवार को सुबह से लेकर रात तक में यादव परिवार के महाभारत का सीन बदल गया। परिवार और पार्टी में एक दूसरे के सामने तलवार निकाले नेता अपनी अपनी तलवार म्यान में डालते नजर आए। रात में लखनऊ में मुलायम के घर पूरा कुनबा एक साथ नजर आया। सीएम अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात भी हुई और वो अमर सिंह भी पारिवारिक कुनबे के मिलन में मौजूद रहे, जिनको लेकर अखिलेश हमेशा ऐतराज जताते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पिता पुत्र का झगड़ा खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी अब एक रहेगी और साइकिल चुनाव चिन्ह भी बना रहेगा। सुलह के फॉर्मूले के तहत मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन पार्टी के सारे फैसले अखिलेश यादव ही लेंगे। हालांकि अभी परिवार के भीतर से आने वाले बयानों में एक रूपता नहीं। 9 तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने दिए थे उनके एफिडेविट्स वगैरह मांगे। आज हम लोग 3 और 4 बजे के बीच में उनमें से MLAs, MLCs और MPs के एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दे देंगे आज। घर वालों को तो है ही, और तो कोई हमें पार्टी आर्टी से ज़्यादा बात करने की कोई मतलब नहीं, लेकिन जय परेशानी है तो घर में। अब भैया भतीजे में लड़ाई हो रही है तो परेशानी तो है ही। हालांकि माना जा रहा है कि एक दूसरे पर दबाव बनाने के बावजूद चुनावी मौके पर दोनों गुटों की एकजुटता एक मजबूरी भी है। पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल अगर किसी भी गुट को नहीं मिलता है और ये फ्रीज कर दिया जाता है तो इससे पार्टी के वोट बैंक को बड़ा नुकसान हो सकता है। सूत्रों की माने तो वोट बैंक के इसी नुकसान को भाप कर दोनों गुट मिलने पर मजबूर हो गए हैं। ये और बात है कि समझौते के टिकाऊ होने को लेकर सवाल भी कायम है। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।